Okay. Hello, students. Welcome to the ASEC session. Now, the topic that we have picked up for today's discussion is words which are related to travel. ठीक है, दैट इज ट्रैवल वोकैबुलरी. नाउ अगर आपने पहले के सेशंस अटेंड किए हो तो यू हैव अ फेयर आइडिया दैट लास्ट टाइम वी टुक वर्ड्स दैट वर रिलेटेड टू वेदर, जैसे रेनी सीजन हो गया या समर हो गया या विंटर्स हो गया, उनसे रिलेटेड जो स्टॉक ऑफ वर्ड्स थे दैट वी वेंट थ्रू दोज वर्ड्स. तो आज का जो सेशन है उसमें वी आर गोइंग थ्रू द वर्ड्स दैट आर ऑल रिलेटेड टू ट्रैवल. राइट नाउ ट्रैवल जो होता है वो किसी भी नेशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, बिकॉज टूरिज्म इज समथिंग दैट इज इन डिमांड दीज डेज. ठीक है, एवरी पर्सन लाइक्स टू ट्रैवल, हर पर्सन को ट्रैवल करना बहुत ही पसंद है. नाउ व्हेन वी ट्रैवल, बी इट इन अ फ्लाइट, बी इट इन अ बस, बी इट इन अ यू नो ट्रेन, किसी भी तरह से हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वी कम अक्रॉस सेवरल वर्ड्स जिनका हमें मतलब नहीं पता होता है, या कई बार पता भी होता है ना तो वी डोंट नो हाउ टू करेक्टली यू नो यूज देम इन सेंटेंसेस. वो एज अ हमें नाउन यूज करना है या एज अ वर्ब यूज करना है या एज एन एडजेक्टिव यूज करना है. सो इन टूडेज सेशन आर बेसिक पर्पज वुड बी की टू डेवलप दो स्टॉक ऑफ वर्ड्स, की कितने ऐसे कितने वर्ड्स हो सकते हैं विच वी कम अक्रॉस. ठीक है, इन आवर डे टू डे लाइफ, तो टू नो देयर मीनिंग्स, एक तो उनका मीनिंग्स जानना, दूसरा उनका करेक्ट यूजेज जानना. ठीक है, आई टेक अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल. कई बार हम एयरपोर्ट में होते हैं एंड वी हैव एन अटेंडेंट सेइंग कि प्लीज गो टू कराउजल नंबर यू नो 10. वी गेट कंफ्यूज फॉर अ टाइम कि कराउजल का क्या मतलब होता है. ठीक है, तो सिमिलरली देर आर मेनी सच वर्ड्स दैट वी कम अक्रॉस. Usually, you know, the best तरीका यही होता है कि whenever we come across, not only in these places, you know, कहीं पे भी if you are there and you are coming across any word जिसका आपको meaning नहीं पता है, the best way is to get back and Google it up. Google करो, because आजकल you know technology is so advanced, we have phones in each and every hand. तो बेस्ट तरीका यही होता है कि कुछ भी अगर हमें वर्ड है जिसका हमें मतलब नहीं पता है, यूजेज नहीं पता है उसका, तो हम उसको गूगल कर लें. Right, so let's start today's session. Okay, before I start up any topic, I always explain to you कि हम वो टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज बहुत essential होता है ये जानना कि अगर हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसका यूज कहाँ है, उसके एप्लीकेशन कहाँ पे है. राइट, सो एज आई टोल्ड यू, इफ यू आर देयर एट यू आर देयर इन द स्टेशन, यू आर देयर एट द बस स्टैंड, यू आर देयर एट द एयरपोर्ट, आप कहीं पे भी हो एंड यू कम अक्रॉस वर्ड्स जिनका आपको मीनिंग जाना, दैट इज थिंग ए. थिंग बी इज, कई बार क्या होता है, वेन यू गेट बैक फ्रॉम अ जर्नी, हम कहीं पे यू नो घूमने गए एंड आप वहां से वापस आते हो, वी हैव अ टेंडेंसी दीज डेज टू पुट थिंग्स ऑन सोशल मीडिया, राइटिंग अ लॉन्ग पैराग्राफ एंड थिंग्स को हम सोशल मीडिया या कोई भी यू नो प्लेटफॉर्म पे डालते हैं, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह. तो देयर वी फील इन शॉर्ट ऑफ वर्ड्स की एग्जैक्टली क्या वर्ड्स यूज करें हमें नहीं समझ आता है. ठीक है, सो दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, बिकॉज हमारे पास इतने वर्ड्स होने चाहिए कि अगर हम उस जर्नी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं वी कैन डिस्क्राइब इट रियली वेल. ओके, कई बार हमें अपने फ्रेंड को भी अगर जर्नी एक्सपीरियंस एक्सपीरियंसेस अपने बताने हैं या शेयर करने हैं, हमें वर्ड्स नहीं मिलते हैं. ठीक है, सो दैट इज वन थिंग दैट विल बी फोकसिंग ऑन इन टूडेज क्लास. ओके, नाउ आई स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल थिंग कि हम कभी भी अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो हाउ डू यू स्टार्ट इट विद. ओके, आई ऑलवेज स्टार्ट बाय लाइक आई गो बाय. ओके, आई गो बाय एंड देन यू कैन मेंशन द व्हीकल. जैसे आई गो बाय मैं बोल सकती हूँ आई गो बाय अ बाईसाइकिल, आई गो बाय अ बस. ओके, आई गो बाय अ बाइक, आई गो बाय अ प्लेन, या फिर ईदर वेज आप ऐसे भी बोल सकते हो दैट आई राइड अ बाईसाइकिल या आई रोड अ बाईसाइकिल टू द नियर बाय मार्केट. ठीक है, आई ड्रोव द बस. ठीक है, आई ड्रोव माई स्कूटी टू माई कॉलेज. ठीक है, आई ड्रोव द कार टू द रेलवे स्टेशन टू टेक माई ग्रैंड पेरेंट्स बैक होम. राइट, आई सेल्ड इन अ शिप लास्ट वेकेशन व्हेन आई वेंट टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. राइट, आई फ्ल्यू टू लंदन द लास्ट ईयर, या फिर I am planning to take a flight to so and so place, right? So this is a basic way कि जिस तरह से हम कोई भी sentence को start करते हैं, या कोई भी अगर मुझे बताना है कि हमने यहाँ से यहाँ तक travel करा तो हम basically इस तरीके से start करते हैं, that I went by so and so things, right? Okay.
Now we start with a general, this thing, travel vocabulary. This means the first word that we come across is a public transportation. Now, public transportation is a word hai, which we get to hear almost daily. Public transportation kya hota hai? It's a system of vehicles which operate at regular times. रेगुलर टाइम्स पे ऑपरेट करता है, ऑल्सो एक फिक्स्ड रूट पे ऑपरेट करता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर डीटीसी के बसेस लेते हो तो उनका एक फिक्स्ड इंटरवल पे वो निकलते हैं, ऑल्सो दे हैव अ फिक्स्ड रूट इन विच दे ट्रैवल, ठीक है, एंड दे आर मेंट फॉर द जनरल पब्लिक. सो वॉट इज इट? इट इज अ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन. सिमिलरली आप मेट्रोज की बात करो, सो इवन दैट इज अ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन. वाई? बिकॉज दे ऑपरेट एट फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम, दे हैव अ फिक्स्ड रूट टू ट्रैवल, एंड एट द सेम टाइम उनका दे आर मेंट फॉर द जनरल पब्लिक. Okay, so that is a public transportation. Arrival departure time बहुत clear है. Arrival departure time जहाँ जब वो try हम train की बात करें चाहे plane की बात करें, जब वो आ रही है, ठीक है, that is arrival. तो हम ऐसे कहते हैं what is the arrival time of the flight या what is the time of arrival of the flight. तो both ways it's okay. ठीक है, what is the departure time of the train या at what time the train would depart. Anyways, आप बोल सकते हो, राइट? तो अराइवल इज आना एंड डिपार्ट इज जाना, डिपार्चर इज जाना. इंफॉर्मेशन डेस्क. इंफॉर्मेशन डेस्क क्या होता है? एक काउंटर होता है, एक रिसेप्शन होता है, वेयर यू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू योर ट्रैवल. ठीक है, जैसे आपके इन्फॉर्मेशन डेस्क यू कैन फाइंड देम एट एयरपोर्ट्स. इन्फॉर्मेशन डेस्क यू कैन ऑल्सो फाइंड इट इन स्टेशन जहां आप जाते हो, और आप इंक्वायरी कर सकते हो अपने ट्रेन के रिगार्डिंग. आप पूछ सकते हो कि आपका ट्रेन लेट है, टाइम पे है, या फिर किस प्लेटफॉर्म पे आ रही है. ठीक है, थिंग्स लाइक दैट. सो दैट इज एन इन्फॉर्मेशन डेस्क. एनी डेस्क वेयर यू आर गेटिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन. कम्यूट. कम्यूट का मतलब होता है एनी जर्नी दैट यू आर टेकिंग रेगुलरली. ठीक है, एंड स्पेशली अगर आप होम से वर्क का जो आपका जर्नी होता है दैट इज कॉल्ड कम्यूट. ठीक है, आई कम्यूट फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव, या आई यूज टू कम्यूट फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज. ठीक है, तो कम्यूट इज एनीथिंग जो हम डेली कर रहे हैं, और डेली रेगुलर बेसिस पे हम सिर्फ ऑफिस यू नो एंड बैक होम ही कर सकते हैं. ठीक है, तो दैट इज कम्यूट. जर्नी. जर्नी इज एनी आप अगर कहीं प्लेस में जा रहे हैं स्पेशली, एंड इफ यू आर टेकिंग हेल्प ऑफ अ व्हीकल दैट इज अ जर्नी. सो इफ यू हैव अ डेस्टिनेशन टू गो एंड यू आर गोइंग देयर, सो दैट इज अ जर्नी. ठीक है, तो जर्नी हम सेंटेंस में ऐसे यूज कर सकते हैं दैट द जर्नी दैट आई हैड वॉज वेरी वेरी मेमोरेबल. ठीक है, सो हियर इट इज नॉर्मली हम इसको एज अ नाउन ही यूज करते हैं. ठीक है, द जर्नी बाय बस वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज देयर वर मेनी स्टॉप्स एंड आई फेल्ट रियली एग्जॉस्टेड. ठीक है, सो जर्नी इज नॉर्मली यूज एज अ नाउन ओनली. ठीक है, हाँ, वन मोर थिंग, इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ वर्ब. जैसे हम कई बार बोलते हैं वी जर्नीड टूवर्ड्स द साउथ. ठीक है, तो देयर इट कैन बी यूज एज अ वर्ब. सो इट कैन बी यूज बोथ एज अ नाउन एज वेल एज अ वर्ब. Okay. Next word is flight. Now, from the word fly, the word comes flight. Flight, normally हम इसको as a noun ही use करते हैं. जैसे मैं कह सकती हूँ, जैसे I took the flight to Pune last week. ठीक है, तो here it's used as a noun. Also, flight number 241 is getting late. ठीक है, so normally जो word flight होता है, I use it as a noun only. Passport. Passport is, it's a legal document that you have, which gives you the citizenship of a particular country. आप एक country के citizen हो, बताता है, right? So that is something that you need to show if you are getting inside another country or going out from the country, that you need to show at the airport. Customs, okay. Customs क्या होता है? It's a department, you can say. कई बार हम कुछ illegal goods लाने की कोशिश करते हैं. राइट, सो कस्टम्स का मेन पर्पस ये होता है, या उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है टू इंश्योर दैट जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनके पास दे डोंट हैव एनीथिंग इलीगल विद देम. ठीक है, सो दैट इज कस्टम्स. या हम कस्टम्स का यू कैन से इट्स अ डिपार्टमेंट विच इंश्योर्स कि आपके पास यू डोंट हैव एनीथिंग इलीगल विद यू. ठीक है, ओके. कस्टम्स ऑफिसर, अगेन दैट डिपार्टमेंट हैज एन ऑफिसर विच इज कॉल्ड कस्टम्स ऑफिसर, हु अगेन हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर कि हाँ आप कुछ भी अगर लेके जा रहे हो तो यू हैव टू डिक्लेयर दैट. आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या क्या लेके जा रहे हो. ठीक है, प्रोवाइडेड ऑल ऑफ देम आर लीगल, वो सारे लीगल होने चाहिए. डिक्लेयर. डिक्लेयर का मतलब क्या होता है? डिक्लेयर यूजली हिंदी में इसका मतलब होता है घोषणा करना. ठीक है, तो अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो हमें कई बार हमारे पास क्या गुड्स है, हमारे पास कितना कैश है, हमारे पास कितना ज्वेलरी है, ये सारी चीजें हमें बतानी पड़ती है क्लियरली ऑन अ फॉर्म. सो दैट इज डिक्लेयर. सो इफ आई एम डिक्लेयरिंग व्हाट ऑल आई हैव,
कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई एम डिक्लेयरिंग एवरीथिंग वेरी क्लियरली. मैं बहुत क्लियरली मेंशन कर रही हूँ कि मेरे पास ये गुड्स है, दिस इज द कैश दैट आई हैव. तो ऑब्वियसली देयर वुड बी एन ऑफिसर हुड चेक अप ऑल योर बिलोंगिंग्स. आपके आपके पास जो भी सामान है वो चेक करेगा, एंड इफ इट्स एवरीथिंग इज ओके देन ओनली वुड अलाउ यू टू गो. ओके, बैगेज बैगेज आपके पास जो भी लगेजेस है दे आर ऑल योर बैगेजेस. ठीक है, आपके पास जो भी गुड्स है, जो भी सामान है, सूटकेस है, कुछ भी है, दे आर ऑल योर बैगेजेस. बैगेज कार्ट क्या होता है, आप कई बार देखोगे एयरपोर्ट में ना, देयर इज द स्मॉल ट्रॉली जिसके ऊपर सामान रख के पीपल कैरी द गुड्स, दैट इज योर बैगेज कार्ट. ओके, बैगेज हैंडलर्स क्या होता है, जो पर्सन होते हैं एयरपोर्ट में या एनी वेयर हु आर टेकिंग केयर ऑफ द लोडिंग एंड द अनलोडिंग ऑफ द गुड्स, दैट दे आर बैगेज हैंडलर्स. यूजुअली आप बैगेज हैंडलर्स देखोगे एयरपोर्ट पे व्हेन यू चेक इन, जब आप चेक इन करते हो दे आर बैगेज हैंडलर्स हु टेक योर बैगेज एंड यू नो टेक इट विद देम. सो दे आर वॉट, दे आर बैगेज हैंडलर्स. ओके, वन वे टिकट. वन वे टिकट क्या होता है कि अगर आप सिर्फ डेस्टिनेशन तक जाने जाने के टिकट करवा रहे हो एंड वापस आने का टिकट नहीं करवा रहे हो, तो दैट इज अ वन वे टिकट. सिर्फ जाने जाने का एंड नॉट रिटर्निंग बैक टू योर ओरिजिन. अब वापस नहीं आना है, आपने खाली जाना जाना है. सो दैट इज अ वन वे टिकट. सो आई टुक अ वन वे टिकट टू माई होम बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर वेन आई वुड बी गेटिंग बैक. मुझे पता नहीं था मैं वापस कब आऊंगी, एंड देयरफॉर आई टुक द वन वे टिकट. ओके, राउंड ट्रिप. राउंड ट्रिप का मतलब होता है टू एंड फ्रो, जाना डेस्टिनेशन पे और वापस भी आना. ठीक है, सो दैट इज अ राउंड ट्रिप. जैसे मैं कहती हूँ आई टुक अ राउंड ट्रिप टू माई होम द लास्ट समर वेकेशंस एंड एवरीथिंग वॉज प्लान्ड वेरी वेल. ठीक है, मैंने प्रॉपर प्लानिंग करी थी और मैंने एक राउंड ट्रिप ली थी कि मैं घर गई, स्टेड सम डेज एंड देन आई गॉट बैक. ठीक है, दैट इज अ राउंड ट्रिप. मैं ऐसे भी यूज कर सकती हूँ दैट द पार्क इज एट अ राउंड ट्रिप ऑफ 4 किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस. That means what? अगर मैं कह रही हूँ राउंड ट्रिप ऑफ 4 किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस, दैट मीन्स पार्क का एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, 2 किलोमीटर है. तो 2 किलोमीटर जाना एंड अगेन 2 किलोमीटर वापस आना. सो दैट इज अ राउंड ट्रिप. क्लियर? ओके, नेक्स्ट कुछ ऐसे वर्ड्स है जो कि हम यूजली ट्रेन वगैरह के केस में भी सुनते हैं. Although I have a separate set of words which are related to the train travel, but yahan pe again this word is common. First class, business class and economy class. Hota kya, first class usually wo hota hai which is the best class in any पर्टिकुलर व्हीकल, चाहे वो शिप की बात करें हम या ट्रेन की बात करें. तो फर्स्ट क्लास जो पैसेंजर्स होते हैं उन्हें कुछ स्पेशल फैसिलिटीज मिलते हैं, दे गेट सम मोर अमाउंट ऑफ कम्फर्ट, राइट? सो दैट इज अ फर्स्ट क्लास. अच्छा, फर्स्ट क्लास जो वर्ड होता है ना, वी कैन यूज इट एज अ नाउन. जैसे हम कह सकते हैं दैट फर्स्ट क्लास ट्रैवलिंग इज मोर कन्वीनियंट देन अ बिजनेस वन. ठीक है, अच्छा, एट द सेम टाइम आई कैन ऑल्सो यूज इट एज एन एडवर्ब. जैसे मैं कहती हूँ दैट शी ऑलवेज ट्रेवल्स फर्स्ट क्लास. कैसे ट्रैवल करती है? फर्स्ट क्लास. तो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, सो देयरफॉर इट कैन ऑल्सो बी यूज एज एन एडवर्ब. ठीक है, सिमिलरली बिजनेस क्लास. बिजनेस क्लास वो कैटेगरी होती है इन विच विच इज स्पेशली मेंट फॉर द बिजनेस ट्रैवलर्स. जैसे जो बिजनेस क्लास के लोग होते हैं ना, जो कि बहुत यू नो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, ठीक है, उनको बहुत कंफर्ट चाहिए होता है. तो दैट इज क्योंकि उस कैटेगरी में जो सीट्स होते हैं दे आर ऑल्सो डिजाइन इन अ मैनर टू गिव अल्टीमेट कम्फर्ट टू द पैसेंजर्स. ठीक है, बिकॉज दे हैव टू ट्रैवल रेगुलरली, प्रोबेबली उनको नींद भी नहीं मिलती है. सो दे यू नो दे नीड दैट ऑन द फ्लाइट इटसेल्फ. सो प्रॉपर कन्वीनियंस उनको प्रोवाइड किया जाता है, राइट? तो बिजनेस क्लास अगेन यू कैन यूज इट एज अ नाउन, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया, एंड ऑल्सो एज एन एडवर्ब. ठीक है, तो एंड द लास्ट वन इज इकोनॉमिक क्लास. इकोनॉमिक क्लास सबसे चीपेस्ट यू नो क्लास होता है इन एनी थिंग, मे बी इट अ फ्लाइट और अ ट्रेन और अ शिप. तो इकोनॉमिक क्लास जो होता है, जैसे इकोनॉमी द वर्ड ओनली सजेस्ट, इकोनॉमी इज वॉट मेकिंग द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ द रिसोर्सेज. तो इकोनॉमिक क्लास का मतलब ही यही होता है कि यू नो दैट क्लास दैट इज चीप, दैट इज विद इन द बजट ऑफ द पीपल, राइट? इकोनॉमी क्लास में ऐसे यूज कर सकती हूँ दैट द इकोनॉमी क्लास इन सेवरल फ्लाइट इज मच बेटर देन बिजनेस क्लास दीज डेज. ठीक है, सो दैट इज अबाउट योर फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास एंड इकोनॉमी क्लास. ओके, टेक ऑफ एंड लैंड. टेक ऑफ का मतलब क्या होता है? कहीं से निकलना. अगर कोई फ्लाइट है या यू नो देयर इज अ शिप, तो टेक ऑफ बेसिकली हम फ्लाइट्स के लिए यूज करते हैं.
टेकिंग ऑफ मीन्स वहीं से निकल जाना, राइट? दैट इज टेक ऑफ, दैट इज जैसे हम सेंटेंस में इसको इस तरह से यूज करते हैं, दैट द फ्लाइट टुक ऑफ फ्रॉम लंदन 2 आवर्स बिफोर, ठीक है? लैंड करना मतलब वापस धरती पे आ जाना, वापस लैंड पे आ जाना, दैट इज लैंडिंग. तो द फ्लाइट लैंडेड ऑन टाइम, या एट वॉट टाइम आर यू एक्सपेक्टेड टू लैंड, ठीक है? लैंड करना मतलब वापस आ जाना, वापस यू नो टू टच द लैंड. अच्छा, चेक इन, चेक इन डेक्स. चेक इन का मतलब क्या होता है? चेक इन इज रिपोर्टिंग समवेयर कि आप पहुंच गए हो, दैट इज चेक इन, राइट? चेक इन आप यूजुअली यू नो एयरपोर्ट्स पे हम चेक इन करते हैं. जैसे एयरपोर्ट्स पे यूजुअली जैसे चेक इन जो टाइम होता है, दैट इज यूजुअली फॉर डोमेस्टिक थिंग्स इट इज 1.5 to 2 hours, राइट? सो हम ऐसे कह सकते हैं दैट आई चेक इन एट द एयरपोर्ट 2 hours बिफोर द फ्लाइट टाइम. ओके, चेक इन हम लोग होटल्स वगैरह में भी जाते हैं तो भी हम चेक इन करते हैं, बिकॉज हम जहाँ रिपोर्ट कर रहे जाते हैं कि ओके आई हैव रीच द होटल, दैट इज चेक इन. ओके, चेक इन डेस्क क्या होता है? चेक इन डेस्क इज अगेन अ रिसेप्शन जहाँ पे आप जाके रिपोर्ट करते हो. सो चेक इन डेस्क आपके एयरपोर्ट्स में होता है, राइट? होटेल्स में होता है, यू फाइंड द रिसेप्शन जहाँ पे आप जाके चेक इन करते हो, दैट ओके आई हैव अराइव्ड ऑन टाइम, ओके दैट इज अ चेक इन. ओके, लॉन्ग हॉल डेस्टिनेशन. लॉन्ग हॉल डेस्टिनेशन मतलब होता है अगर बहुत लंबा कोई डेस्टिनेशन है, द डेस्टिनेशन इज वेरी फार ऑफ विच रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ टाइम एंड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू रीच देयर, तो दैट इज अ लॉन्ग हॉल डेस्टिनेशन, ठीक है? जैसे मैं कह सकती हूँ दैट द जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू कनाडा इज अ लॉन्ग हॉल वन, बहुत लंबी जर्नी है एंड लॉट्स बहुत सारा एफर्ट भी लगता है, ठीक है? लॉन्ग हॉल ना हम लोग ईदर वाइज भी यूज कर सकते हैं. कई बार हम ऐसे सेंटेंसेस लिखते हैं दैट बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक द इम्प्रूवमेंट इन द इकोनॉमी विल बी अ लॉन्ग हॉल वन, कि मतलब जो रिफॉर्म जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए इकोनॉमी में बहुत बहुत ही लॉन्ग हॉल होगा, ठीक है? इतना जल्दी इकोनॉमी रिकवर नहीं कर सकती है, राइट? सो दोज आर द वेज इन विच यू कैन यूज लॉन्ग हॉल. ओके, देन यू हैव अ वीकेंड ब्रेक एंड अ सिटी ब्रेक. वीकेंड ब्रेक का मतलब होता है कि अगर हम यूजुअली वीकेंड्स में जैसे सैटरडे संडेज को अगर हम कोई भी ब्रेक ले रहे हैं, यू नो विच इज फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मे बी फॉर 2 days 3 days, दैट इज अ वीकेंड ब्रेक, ठीक है? सिटी ब्रेक इज अगेन मोर ऑर लेस ही सेम, बट इट इज अ ब्रेक दैट यू टेक टू यू नो रोम अराउंड इन द सिटी, दैट इज अ सिटी ब्रेक. सो आई लास्ट लास्ट वीक आई टुक अ वीकेंड ब्रेक बिकॉज आई वॉज रियली वेरी वेरी टायर्ड ऑफ माई वर्क. Therefore, I took a vegan break and therefore, I took a city break. ठीक है? Layover या stopover. Layover का मतलब होता है अगर हम कोई जर्नी में रुक रहे हैं तो that is a layover, right? Stopover also means the same thing. अगर कोई जर्नी के बीच रुका जा रहा है for any purpose, ठीक है? तो that is a stopover. So there was a layover of the flight from the journey from Delhi to Chennai. ठीक है? Delhi से Chennai जाते हुए एक स्टॉप ओवर था, एक जगह रुका गया था, राइट? अच्छा, बैग. ओके, कनेक्टिंग फ्लाइट. कनेक्टिंग फ्लाइट क्या होता है? कनेक्टिंग फ्लाइट इज कनेक्टिंग फ्लाइट को हम ट्रांजिट फ्लाइट भी कहते हैं. जैसे आप कहीं से कहीं अगर ट्रैवल कर रहे हो और अगर आपको बीच में फ्लाइट चेंज करना है, सो दैट इज योर कनेक्टिंग फ्लाइट. कनेक्टिंग ट्रेन भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यू नो दिल्ली से वैष्णो देवी जा रहे हो या दिल्ली से नैनीताल जा रहे हो, तो कुछ कनेक्टिंग ट्रेन होते हैं, राइट? सो कनेक्टिंग इज एनीथिंग ट्रांजिट. अगर आप बीच में चेंज कर रहे हो, सो दैट इज अ कनेक्टिंग फ्लाइट. सो आई हैव कनेक्टिंग फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू लंडन. दिल्ली से लंडन जाने में मुझे कई बार फ्लाइट चेंज करनी है, एंड देयरफॉर वो कनेक्टिंग फ्लाइट है. अच्छा, हैंड लगेज क्या होता है? छोटा सा बैगेज होता है विच आई कैन कीप इन द हैंड, ठीक है? जो मैं अपने पास रख सकती हूँ. सो इट इज अ वेरी स्मॉल थिंग, सो दैट इज अ हैंड लगेज जो कि इजिली कैरी किया जा सकता है. ओके, बोर्डिंग पास. बोर्डिंग पास इज यू नो एनीथिंग विच गिव्स यू द अथॉरिटी कि आप उस चीज में जा सकते हो. से फॉर एग्जाम्पल, आपको पास का मतलब इज पास इज एनीथिंग दैट इज गिविंग यू द राइट टू गेट इनसाइड अ प्लेस. जैसे आपको फ्लाइट के लिए पासेस मिल सकते हैं, आप एक अम्यूजमेंट पार्क में भी जाते हो ना तो भी आपको पासेस मिलते हैं. क्यों? दैट इज गिविंग यू द राइट टू गेट इनसाइड दैट अम्यूजमेंट पार्क, ठीक है? थिएटर में जाते तो आपको पासेस मिलते हैं. तो बोर्डिंग पास इज समथिंग, बोर्डिंग मतलब चढ़ना, आप उस फ्लाइट में चढ़ सकते हो, उसके लिए आपको एक पास मिलेगा, दैट इज अ बोर्डिंग पास. ओके, गो थ्रू सिक्योरिटी.
गो थ्रू सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया वंस यू चेक इन यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस इन विच यू हैव टू गेट योर सेल्फ चेक कि आपके पास कुछ भी इलीगल तो नहीं है, यू आर नॉट कैरिंग कुछ ऐसे गुड्स या सामान आप ना ले जा रहे हो विच इज नॉट गुड और विच इज नॉट लीगल, ठीक है। तो फॉर दैट यू हैव टू गो थ्रू द सिक्योरिटी प्रोसेस। सिक्योरिटी प्रोसेस आफ्टर चेक इन आपको सिक्योरिटी क्लियर करनी पड़ती है। सिक्योरिटी में योर देयर इज अ डिवाइस विथ विच दे चेक यू, आपके जो बैगेजेस होते हैं एक्सरे मशीन्स के थ्रू निकाली जाती है। व्हाई? बिकॉज सो दैट यू दे इंश्योर दे वांट टू इंश्योर दैट यू आर नॉट कैरिंग एनीथिंग विच इज इलीगल। ओके, पासपोर्ट कंट्रोल ये मैं आपको बता चुकी हूँ, दैट इज अगेन अ डिपार्टमेंट दैट वुड इंश्योर दैट यू हैव द पासपोर्ट विथ यू अगर आप कहीं से किसी और कंट्री में आ रहे हो या इस कंट्री से किसी और कंट्री में जा रहे हो। स्निफर डॉग्स, स्निफर डॉग्स क्या होता है, कई बार आप देखोगे देयर आर डॉग्स इन द रेलवे स्टेशन या फिर इन द एयरपोर्ट्स। इनका पर्पस क्या होता है, दे आर वेल ट्रेन्ड डॉग्स बाय द पुलिसमैन, बहुत अच्छे से उनको ट्रेन किया जाता है। ट्रेन किस पर्पस के लिए किया जाता है कि कहीं पे भी बॉम्ब हो या कुछ भी ऐसा हो विच इज यू नो डाउटफुल तो वो उसको स्मेल कर लेता है। ओके, मेनी टाइम्स आप देखोगे आप ट्रेन के अंदर बैठ गए हो, स्पेशली एक्सप्रेस ट्रेन में कई बार ये होता है, राजधानी एंड ऑल उनमें क्या होता है, यू फाइंड द पुलिस पर्सन ड्रैगिंग अ फ्यू डॉग्स एंड गोइंग अक्रॉस। क्यों? क्योंकि दे जस्ट वांट टू इंश्योर कि ट्रेन में देयर इज नथिंग रॉन्ग एंड कुछ भी ऐसे बॉम्ब या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कई बार बॉम्ब कहीं पर अगर बॉम्ब डिटेक्ट होता है, इवन इन दोज प्लेसेस द पुलिसमैन मूव अराउंड विद द डॉग्स बिकॉज दे कैन स्मेल एंड दे कैन इजिली जज एंड मेक आउट वेयर इज दैट पर्टिकुलर बॉम्ब और एनीथिंग, राइट? सो दे आर स्निफर डॉग्स। ड्यूटी फ्री शॉपिंग, ड्यूटी फ्री शॉपिंग का क्या मतलब होता है, यू हैव शॉप्स इन द एयरपोर्ट वेर यू डोंट हैव टू पे टैक्सेस फॉर द गुड्स दैट यू आर बाइंग। आप कुछ भी खरीद रहे हो ना तो आपको उसके लिए टैक्सेस नहीं दे रहे। यूजुअली आप कोई भी सामान खरीदते हो उसके ऊपर आप टैक्सेस पे करते हो, आप एक्सरसाइज देते हो, आप कस्टम्स देते हो, ठीक है। तो वहां पे जो शॉप्स होते हैं ना उस पे आपको टैक्सेस नहीं पे करने हैं। सो एज सच आपका जो चीज का प्राइस होगा दैट विल बी मच लेस देन व्हाट इज अवेलेबल इन द मार्केट, राइट? सो दे आर ड्यूटी फ्री शॉप्स हम उनको कहते हैं एंड द शॉपिंग दैट यू डू ओवर देयर आर ड्यूटी फ्री शॉपिंग, राइट? गो ओवर ड्यूटी फ्री अलाउंस, इसका क्या मतलब होता है, जैसे कई बार ना हम अगर ड्यूटी फ्री शॉप से खरीद भी रहे हैं तो लेकिन वहां पे भी एक लिमिट होता है, वी हैव एन अलाउंस कि आपको इतना तक ही आप खरीद सकते हो विच इज टैक्स फ्री, बियॉन्ड दैट इफ यू गो यू हैव टू पे टैक्सेस ऑन दैट। तो यू आर ऑलवेज एडवाइस कि जैसे आपको कोई एडवाइस कर रहा होता है ओके डोंट गो ओवर योर ड्यूटी फ्री अलाउंस, तो ड्यूटी फ्री मतलब जितना अमाउंट तो आपका टैक्स फ्री है आप खाली वो परचेज करो, जो आप बियॉन्ड जाओगे तो यू हैव टू पे एडिशनल टैक्सेस ऑन दैट, सो डोंट गो फॉर दैट। ओके, सो दैट इज गो ओवर ड्यूटी फ्री अलाउंस। आई होप दिस थिंग इज प्रीटी क्लियर। ओके, ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब वैसे ही हिंदी में होता है फर्ज, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम ट्रैवलिंग के कंटेक्स्ट में बात करें ना तो ड्यूटी का मतलब होता है टैक्स। अगर आप कहीं पे भी आपको कोई टैक्स देना दैट मीन्स हम कहते हैं उसको ड्यूटी देना है, ठीक है। अच्छा, केबिन क्रू, फ्लाइट के अंदर जो भी यू नो फ्लाइट के पर्सनल होते हैं, हु टेक केयर ऑफ योर कंफर्ट, हु टेक केयर ऑफ योर सेफ्टी सिक्योरिटी एवरीथिंग, हु गाइड यू अप इन एवरी पॉसिबल मैनर, तो वो होता है आपका केबिन क्रू। केबिन के अंदर आपका जो फ्लाइट के अंदर हुएवर पर्सनल ऑफ द फ्लाइट आर देयर। इन फ्लाइट मील, इन फ्लाइट मील यूजुअली आपको फ्लाइट के अंदर जो मील सर्व होता है उसको हम कहते हैं इन फ्लाइट मील। फ्लाइट के अंदर वट एवर मील इज सर्व टू यू दैट इज योर इन फ्लाइट मील। फ्लाइट रूट, यूजुअली आप फ्लाइट में बैठते हो एंड देन द पायलट अनाउंसेस दैट ओके दिस इज द रूट वी विल बी टेकिंग। फ्लाइट रूट यूजुअली जो रूट वो ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर जो फ्लाइट है वो कैलकटा टू बॉम्बे जा रहा है एंड इफ देर इज अ स्टॉप ओवर और ले ओवर एट दिल्ली तो वो आपको एक्सप्लेन करेगा तो आवर रूट इज दिस, ठीक है। सो यू गेट अ क्लियर आइडिया कि आपका रूट क्या है, आपको कितना टाइम हो, सब कुछ बताता है क्योंकि दिस इज द टाइम इन विच वुड बी कवरिंग द जर्नी। फ्लाइंग ऑल्टीट्यूड भी मेजर की जाती है, आप किस हाइट पे फ्लाइट जो है वो यू नो मूव कर रही है दैट इज द फ्लाइंग ऑल्टीट्यूड, ठीक है। तो द पायलट नॉर्मली अनाउंसेस कि वी आर मूविंग और या वी आर क्रूजिंग एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 40,000 meters, 40,000 feet, ठीक है। सो आपको एक आइडिया पड़ जाता है ओके हम 40,000 feet पे you know we are flying yeah we are cruising so that is flying altitude, clear? So ye basic terms hai jo hum normally sunte hai but exact unka meanings I have explained to you and also aap kis tarah se usko sentences mein use karoge. Okay, baggage carousel, maine ye term bahut pehle aapko bola tha ki kai bar hum ye word sunte hai ki go to carousel number 10. carousel ka matlab kya hota hai, it is a raised platform mostly oval in shape
जिसके ऊपर आप, जैसे आपने जो चेक इन के टाइम पे आपने जो बैगेजेस दे दिए थे उनको, वो बैगेजेस वो उनपे डाल देते हैं, यू कैन कलेक्ट योर बैगेजेस. पीपल दे कलेक्ट अराउंड दोस कराउजल एंड दे कलेक्ट देयर बैगेजेस फ्रॉम देयर. सो दैट इज अ बैगेज कराउजल. गो थ्रू कस्टम्स एंड डिक्लेयर. नाउ ये ना मैंने प्रोसेसेस कुछ सीक्वेंस में डालने की कोशिश की है कि यूजुअली आप अगर जा रहे हो या ट्रैवल कर रहे हो तो ये सीक्वेंस नॉर्मली रहता है. एंड तो उसी से मुझे वर्ड्स फिर दिमाग में आते गए कि ओके दीज आर द वर्ड्स दैट आर लिंक. गो थ्रू कस्टम्स एंड डिक्लेयर. कस्टम्स में जाके हम डिक्लेयर करते हैं कि हमारे पास ये गुड्स है या ये हम कैश कैश है हमारे पास, और आप वो प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रिटर्न दे देते हो क्योंकि दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आई हैव विद मी. राइट, सो दैट इज गोइंग थ्रू द कस्टम्स एंड डिक्लेयर. आई होप अब आपको डिक्लेयर का मतलब पता चल गया कि मैं डिक्लेयर कर रही हूँ तो मैं क्या क्या चीजें बता रही हूँ. ओके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट. ओके, वंस यू आर थ्रू द एंटायर प्रोसेस यू वॉन्ट अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. या तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोगे वापस एयरपोर्ट से निकलने के बाद, मे बी अ बस, मे बी अ ट्रेन, मे बी अ मेट्रो. ओके, और यू गो टू द कार रेंटल डेस्क. अगर आपको नहीं आइडिया, फॉर एग्जाम्पल यू आर न्यू टू दैट प्लेस, तो आप कार रेंटल डेस्क पे जाते हो. तो कार रेंटल डेस्क क्या है? इट्स अ रिसेप्शन जहाँ पे वो आपको कार्स रेंट पे देते हैं. ठीक है, दो आजकल देयर आर मेनी फैसिलिटीज, ओला इज देयर, उबर इज देयर, सो मेनी फैसिलिटीज, सो यू कैन अवेल एनी वन ऑफ देम. ओके, हायर और रेंट अ कार. हायर एंड रेंट का मतलब एक ही है. आप अगर किराए पे गाड़ी ले रहे हो सो दैट इज हायर और रेंट अ कार. ओके, लॉन्ग क्यूज डिलेट. कई बार हम क्या होता है कि जो फ्लाइट होता है वो बिकॉज ऑफ या तो कस्टम्स क्लियर करने में हमें टाइम लग जाता है, या कई बार क्या होता है बहुत लंबे क्यूज होते हैं कुछ स्ट्राइक्स वगैरह के चलते. तो मैं यू कैन यूज इट इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस कि देयर वर लॉन्ग क्यूज एंड देयरफॉर आई गॉट वेरी लेट इन इवन कमिंग आउट ऑफ द एयरपोर्ट. ओके, फ्लाइंग टाइम. फ्लाइंग टाइम होता है कि जितने टाइम का आपका फ्लाइट होता है, जो ड्यूरेशन होता है आपका पूरा फ्लाइट का, दैट इज योर फ्लाइंग टाइम. ओके, जेट लैग. जेट लैग क्या होता है कि मेनी टाइम्स वी ट्रैवल टू डिफरेंट टाइम जोन्स. जैसे हम अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे जा रहे हैं ना, तो टाइम जोन्स अलग होता है. एंड आवर वी हैव अ बॉडी क्लॉक. हमारे एक बॉडी क्लॉक होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर स्टेइंग इन इंडिया, हमारा एक बॉडी क्लॉक है विच इज यूज टू दीज टाइमिंग्स. जैसे हमें पता है कि हमें इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे सोना है. ठीक है, नाउ वेन वी आर मूविंग टू अनदर कंट्री, वहां पे टाइम जोन्स डिफरेंट है. ठीक है, वहां पे प्रोबेबली आप जिस टाइम पे पहुंचे हो उस टाइम पे द सन हैज जस्ट राइजन, तो आपका जो है बॉडी क्लॉक थोड़ा सा डिफर कर जाता है, बिकॉज ऑफ विच यू डोंट फील गुड. सो दैट इज अ जेट लैग, बिकॉज वो आप एक डिफरेंट टाइम जोन में गए हो एंड देयरफॉर योर बॉडी इज नॉट गेटिंग, योर बॉडी इज एक्चुअली गेटिंग यूज्ड टू इट. सो दैट इज अ जेट लैग. ओके, डिफरेंट टाइम जोन्स. एज आई टोल्ड यू कि आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे जाते हो तो टाइम जोन्स जो होते हैं वो वेरी कर जाते हैं. ओके, हाँ, दिस इज अगेन अनदर टर्म जो हम आजकल बहुत सुनते हैं, दैट इज रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स. रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स क्या होते हैं? ये ना स्पेशल चार्टर फ्लाइट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं इन ऑर्डर टू गेट बैक द पैसेंजर्स फ्रॉम अनदर कंट्री टू द कंट्री ऑफ ओरिजिन, जिस कंट्री को वो बिलोंग करते हैं. जैसे पीछे आपको पता होगा पेंडेमिक के चलते लॉकडाउन था, देयर वर मेनी पैसेंजर्स इन यूएस एंड यूएई जो स्ट्रक थे और जो आ नहीं पा रहे थे. राइट, तो उनके लिए रिपैट्रिएशन फ्लाइट चलाई गई. देयर वाज दिस वंदे भारत मिशन जिसके तहत द पैसेंजर्स वेर गॉट बैक टू देयर ओन कंट्री. ठीक है, सो दैट इज रिपैट्रिएशन फ्लाइट. ठीक है, सो इसको हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं दैट मेनी रिपैट्रिएशन फ्लाइट वेर इंश्योर्ड बाई द गवर्नमेंट सो दैट द स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स कुड गेट बैक टू देयर ओन कंट्री. स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स मतलब अगर आप कहीं अटके पड़े हो, कहीं फंसे पड़े हो, ऐसे पैसेंजर्स जो वहां से नहीं निकल पा रहे फॉर एनी रीजन. ठीक है, सो टू गेट देम बैक टू देयर ओन कंट्री, सो दैट इज वॉट रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स. ओके, सो ये तो हो गई फ्लाइट की बात है कि फ्लाइट में हम कितने यू नो द वर्ड्स दैट यू कम अक्रॉस व्हाइल यू आर गोइंग ऑन अ फ्लाइट. नाउ नेक्स्ट लेट्स कम टू द वर्ड्स दैट वी ऑफन गेट टू हियर व्हेन वी आर एट अ रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड या पोर्ट. पोर्ट इज अ प्लेस जहाँ शिप्स आके खड़ी होती है. राइट, तो फेयर. नाउ फेयर इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड एफ ए आई आर. यू हैव द वर्ड एफ ए आई आर. राइट, फेयर का मतलब एक तो ये भी होता है कि ठीक ठाक सा, एंड मेले को भी हम फेयर कहते हैं. बट अगर मैं ट्रैवलिंग के कंटेक्स्ट में बात करूँ तो एफ ए आर ई हम यूज करते हैं विच मीन्स भाड़ा. कहीं से हमें कहीं जाना है तो हमें जो पैसे देना है दैट इज फेयर. राइट, प्लेटफॉर्म क्या होता है? अगेन अ रेज्ड दिस थिंग जहाँ पे ट्रेन आके रुकती है, सो दैट इज योर प्लेटफॉर्म. बस स्टेशन, प्रिटी क्लियर.
बस स्टॉप्स को हम बस स्टेशन कहते हैं, जहां बसेस आके रुकती है। स्टॉप्स जितने जगह वो रुकता रुकता चलता है, अगर वो हम रेलवेज की बात करें या बसेस की बात करें, वो जितने जगह रुकता रुकता जाएगा, दोज आर ऑल द स्टॉप्स। सो देयर वर 20 स्टॉप्स इन माई जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू नैनीताल। ठीक है, 20 जगह बसेस रुकी थी, सो दैट इज स्टॉप। ओके, फेरी। फेरी क्या होता है? इट्स यूजुअली अ स्मॉल बोट दैट कैरीज अक्रॉस लेक, रिवर, कोई भी वाटर बॉडी के अक्रॉस अगर कोई छोटी बोट आपको ले जा रही है, दैट इज फेरी। फेरी को ना हम एज अ नाउन यूज कर सकते हैं, जैसे मैं कह सकती हूँ प्लीज टेक द फेरी फ्रॉम द नेक्स्ट स्टैंड। ठीक है, आप नेक्स्ट स्टैंड से फेरी ले लो, या फिर आप इसको एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हो। जैसे हम कह सकते हैं दैट ही फेरिड अस अक्रॉस द रिवर इन नो टाइम, मतलब बहुत फटाफट उसने हमें रिवर फेरी करवा दिया, निकलवा दिया। ठीक है, दैट इज फेरी। ओके, क्रूज का मतलब क्या होता है? क्रूज का मतलब यूजुअली अगेन इट्स अ शिप ऑन अ वाटर बॉडी, लेकिन यूजुअली ना इसका कोई स्पेसिफिक डेस्टिनेशन नहीं होता कि हमें यहाँ जाना है। ठीक है, क्रूज इज यूजुअली फॉर अ प्लेजर पर्पज, कि आपको घूमना है फिरना है, इट्स फॉर एंटरटेनमेंट। ठीक है, तो दैट इज क्रूज। जैसे इफ यू गो टू गोवा यू वुड फाइंड मेनी क्रूजर्स देयर। तो नॉर्मली हम इसको एज अ नाउन यूज करते हैं, एंड अगेन इट कैन ऑल्सो बी यूज लाइक फेरी, हम इसको एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हैं, दैट वी आर क्रूजिंग एट, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, वी आर क्रूजिंग एट 40,000 फीट, सो दैट इज अगेन क्रूज। सो उसको भी हम एज अ वर्ब यूज कर रहे हैं। ओके, एंकर। एंकर क्या होता है ना? एक मेटल बॉडी होता है which is used in ships, जो कि बहुत एक लंबे chain से attached होता है, and if you want to stop the ship somewhere, they just put it down in the river, it gets stuck, and then the ship cannot move. Okay, so that is anchor. Okay, so I saw an anchor and I was really surprised, it was so big in size. So as a noun हम इसको use कर रहे हैं, as a verb भी हम use कर सकते हैं, the ship was anchored by the sailor. ठीक है, शिप को रोक दिया गया, सेलर ने रोक दिया शिप को, दैट इज एंकर। ओके, सी सिकनेस। सी सिकनेस क्या होता है? कई बार अगर हम काफी लंबे टाइम तक शिप में ट्रैवल कर रहे हैं या कोई भी वाटर बॉडी के ऊपर हम ट्रैवल कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ द स्वेइंग मूवमेंट ऑफ दैट व्हीकल, शिप बहुत हिल रहा होता है, वी फील वेरी डिजी, हमें नौसिया सा लगता है, वॉमिटिंग सा लगता है, दैट इज नथिंग, दैट इज सी सिकनेस। ठीक है, जैसे आई फेस सी सिकनेस व्हेन, मैं इसको सेंटेंस में जैसे यूज कर सकती हूँ, आई फेस सी सिकनेस व्हेन आई वेंट टू लक्षद्वीप आइलैंड्स लास्ट डिसम्बर। ठीक है, मैं प्रोबेबली बोट से गई होंगी, एंड देर वॉज अ लॉट ऑफ सी सिकनेस। ठीक है, तो सी सिकनेस इज यूजली अ कंडीशन वेर यू आर फेसिंग दैट नोसिया एंड हेड एक्स एंड डिजनेस बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द शिप, क्योंकि वो इतना हिल रहा होता है इन द शिप, देयरफॉर दैट इज सी सिकनेस। ओके, बुफे सर्विस। बुफे इज यूजुअली, आपको पता होगा बुफे शादियों में बुफे लगा होता है ना, काफी सारा यू नो खाना एक जगह पे ही लगा हुआ होता है, सो दैट इज अ बुफे वेयर यू हैव फूड्स ऑफ ऑल काइंड्स दैट आर सर्व्ड, एक काफी सारे फूड सर्व रहते हैं। लेकिन हाँ, ट्रेन्स के केस में बुफे ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता कि काफी सारा खाना सर्व रहता है, उसमें ये होता है कि देयर इज अ बुफे काउंटर जहाँ पे आप जाते हो और आप अपना जो भी खाना है वो ऑर्डर कर सकते हो, दैट इज अ बुफे सर्विस इन अ ट्रेन। ओके, रिटर्न टिकट, सिंगल टिकट, आई होप मैंने ये पहले एक्सप्लेन कर दिया आप लोग को, सिंगल टिकट सिर्फ अगर जाने जाने का टिकट है, दैट इज अ सिंगल टिकट। रिटर्न टिकट अगर आपको जाने और आने दोनों का टिकट है, दैट इज अ रिटर्न टिकट। आप कह सकते हो इसको सेंटेंस में दैट द रिटर्न टिकट्स वर मच चीपर एज कम्पेयर टू द सिंगल टिकट्स। ठीक है, फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास, जैसे फ्लाइट में मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, ट्रेन में भी यू हैव द फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास टिकट्स, सो दैट वॉज योर रेलवे एक्सपीरियंस, राइट। ओके, नेक्स्ट वी कम टू द वर्ड्स दैट आर रिलेटेड टू द कार। कार में फर्स्ट वर्ड आता है पार्किंग लॉट। पार्क मतलब व्हाट? यूजुअली इट्स अ ओपन प्लेस वेयर देयर आर मेनी ट्रीज, लेकिन हाँ, पार्क अगर हम कार के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं, देन द मीनिंग चेंजेस। इट्स अ प्लेस जहां पे आप अपना कार जाके रोकते हो, राइट। पार्किंग लॉट इज अगेन अ प्लेस, जैसे मॉल्स के बाहर भी हैव पार्किंग लॉट्स, क्या होता है वहां पे हम जाके अपना कार पार्क करते हैं, हम रोकते हैं अपने कार को, राइट, दैट इज अ पार्किंग लॉट। यूजुअली इट्स यूज्ड एज अ नाउन ओनली। पार्क, पार्क जैसे कि मैंने आपको कहा कि यू कैन यूज इट एज अ नाउन, यू कैन यूज इट एज अ नाउन, पार्क इज अ नाउन। जैसे देयर इज अ पार्क नियर टू माय हाउस, वो तो एक नाउन हो गया, लेकिन अगर मैं कहती हूँ प्लीज पार्क माय कार, सो दैट इज अगेन टेक्स अ वर्ब फॉर्म, राइट। तो पार्क करना मतलब रोकना अपनी गाड़ी को। ओके, रेंट अ कार इज व्हाट? कोई गाड़ी भाड़े पे लेना, किराए पे लेना, दैट इज रेंट अ कार। अनलिमिटेड माइलेज, अनलिमिटेड माइलेज का मतलब क्या होता है कि कई बार हम जो कार्स अगर हम रेंट पे लेने जाते हैं ना, तो वहां पे दे टेल अस कि इतना तो मिनिमम है जो आप डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हो,
उसके बाद अगर आप डिस्टेंस और ट्रेवल करते हो तो पर किलोमीटर आपको इतना लगेगा, ओके तो और एट द सेम टाइम कुछ ऐसे यू नो रेंटल्स होते हैं जो ये कहते हैं कि नो वी आर गिविंग यू अनलिमिटेड माइलेज, मतलब आपका जो सरचार्ज है जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो नहीं लेंगे बिकॉज दे आर ऑलरेडी पेइंग सम फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है, सो दैट इज अनलिमिटेड माइलेज, राइट। कार ब्रेक डाउन, कार ब्रेक डाउन इज खराब हो जाना, कार अगर बीच में खराब हो जा रहा है दैट इज कार ब्रेक डाउन, दैट इज माई कार ब्रेक डाउन इन द मिडल ऑफ द जंगल एंड आई वॉज रियली वरिड, मैं बहुत परेशान होगी कि कार खराब हो गया, राइट। गराज, गराज इज अ प्लेस वेयर यू कीप योर कार, एट द सेम टाइम अ प्लेस वेयर योर कार गेट्स रिपेयर्ड, अगर कार ठीक हो रहा है दैट इज गराज। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कई बार हम अपनी कार्स की इंश्योरेंस करवाते हैं, इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि हम एक प्रीमियम यू नो यू आर पेइंग इट एवरी ईयर, हम हर साल एक प्रीमियम दे रहे हैं टू गेट माई कार इंश्योर्ड, अगर मेरे कार को कुछ भी होता है, लगता है, एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है तो द कंपनी वुड पे द अमाउंट मे बी पार्शियली और फुल, कभी कभी पूरा अमाउंट भी मिल जाता है, कभी कभी पार्शियल भी मिलता है, डिपेंडिंग टर्म्स एंड कंडीशंस क्या था इंश्योरेंस कंपनी के साथ, राइट। सो आई होप दीज वर्ड्स आर प्रीटी क्लियर, ओके। रोड ट्रिप, रोड ट्रिप मतलब ये होता है कि अगर मैं कोई जर्नी बाय रोड कर रही हूँ तो दैट इज रोड ट्रिप, जैसे आई टुक अ रोड ट्रिप टू उत्तरांचल लास्ट वीक, ठीक है, तो रोड ट्रिप इज एनी जर्नी बाय रोड, बस में हो सकता है, सो दैट इज आपके कार में हो सकता है, राइट, दैट इज अ रोड ट्रिप। गो एट योर ओन पेस, गो एट योर ओन पेस का मतलब होता है अपने कंफर्ट के हिसाब से जाओ, ठीक है, पेस मतलब अपने कंफर्ट, अपना कंफर्ट देखो पहले, राइट, दैट इज गो एट योर ओन पेस, दैट इज, जैसे मैं सेंटेंस में इसको बोल सकती हूँ कि इफ यू हैव टू ट्रेवल टू मनाली प्लीज गो एट योर ओन पेस एल्स यू माइट मीट एन एक्सीडेंट, क्योंकि जर्नी इतना लॉन्ग है तो हम किसी को अगर गाइड करना हो तो हम ये कह सकते हैं गो एट योर ओन पेस, बाबा अपने स्पीड पे जाना, अपने कंफर्ट के हिसाब से जाना, रुकते रुकते जाना, टेक सम स्टॉप ओवर्स, ठीक है, एंड हैव अ ब्रेक जर्नी, बीच में रुक जाओ, तो नाउ यू हैव सो मेनी वर्ड्स, यू नो यू कैन लिंक अप द वर्ड्स, दैट इज गो एट योर ओन पेस। मोटरवे सर्विसेज टू फिल अप ऑन पेट्रोल, मोटरवे सर्विसेज होते हैं बीच में, यू हैव सर्विसेज सेंटर्स जो कि आपका यू नो कार की सर्विसिंग कर देते हैं, वॉश कर देते हैं, पेट्रोल वगैरह चाहिए हो तो वो डाल देते हैं, सो दे आर मोटरवे सर्विसेज, ओके। कंफर्ट ब्रेक क्या होता है, यूजुअली कोई जर्नी में इफ यू आर टेकिंग अ ब्रेक फॉर रिफ्रेशिंग योर सेल्फ एनी वेज, मे बी यू नो ड्रिंकिंग वाटर या going to washroom, so that is a comfort break, that is you are taking a break in order to comfort yourself, so that is a comfort break, all right, okay, there are some more essential travel vocabulary, bahut jaise suitcase wagera to you know is the luggage that you have, baggage luggage again you know jo aapke paas jo bhi saman hota hai goods that you have is the baggage luggage, acha oversize luggage, ha oversize luggage kya hota hai, kai baar na jaise agar hum usually flights wagera mein travel kar rahe hain to wahan pe ek luggage ki limit hoti hai ki you can just per person can carry this much kg with you, now agar aapka luggage usse exceed kar jata hai so that is your oversize luggage, राइट। हैंड बैग, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एनी छोटा कोई अगर बैगेज, अगर आप जो पर्स वगैरह दैट यू आर कीपिंग इन द हैंड विथ यू दैट इज योर हैंड बैग। अच्छा बैक पैक क्या होता है, पीछे की तरफ आप जो बैग टांगते हो, यूजुअली इट्स ऑन अ मेटल फ्रेम एंड दैट इज नॉर्मली यूज इट फॉर लॉन्ग जर्नीज या ट्रेकिंग वगैरह के लिए जा रहे हो, वे यू वॉन्ट टू पुट ऑल द सामान इन सारा यू नो जो भी गुड्स वगैरह होता है, यू वॉन्ट टू पुट दैट इन साइड दैट सिंगल बैग, सो दैट इज योर बैक पैक, सो इट इज यूजली वेरी हेवी एंड इसको हम एज अ नाउन यूज करते हैं, द बैक पैक दैट आई हैव इज रेड इन कलर, ठीक है, या फिर हम कई बार इसको एज वर्ब भी यूज करते हैं, जैसे वी बैकपैक आवरसेल्व्स लास्ट विंटर्स इन उत्तरांचल फॉर 4 days, ठीक है, मतलब 4 दिन तक वी मूव्ड अराउंड उत्तरांचल और हम बैग टांग के वी केप्ट ऑन मूविंग अराउंड उत्तरांचल, सो दैट इज, सो इट कैन बी यूज बोथ वेज, हम एज अ वर्ब भी इसको यूज कर सकते हैं, ओके। मनी बेल्ट, मनी बेल्ट क्या होता है, इट्स अ बेल्ट जिसमें आपके देयर आर सेक्शन जिसमें आप अपना पैसे रख सकते हो, यूजुअली हम ये मनी बेल्ट यूज करते हैं टू अवॉइड पिक पॉकेटिंग, अगर हमें चोरी से बचना है, पिक पॉकेटिंग इज वॉट, कोई उठा ना ले या कोई छीन ना ले, सो फॉर दैट बिकॉज वो बेल्ट के अंदर होता है इट्स वेरी सेफ एंड देयरफॉर यू कैन यूजुअली ट्रैवल पर्पजेस के लिए वी यूज दिस मनी बेल्ट, ओके। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आर ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स दैट आर इश्यूड बाय द गवर्नमेंट दैट कैन प्रूव योर आइडेंटिटी, ठीक है, जैसे मैंने पासपोर्ट कहा इज अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, योर ड्राइविंग लाइसेंस, ऑल दे आर ऑल ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स,
ठीक है, ट्रैवलिंग के लिए वट एवर डॉक्यूमेंट्स यू हैव विच आर इश्यूड बाई दी गवर्नमेंट और जो आपकी आइडेंटिटी प्रूव करने में हेल्प कर सकती है. सो दे आर वॉट, दे आर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स. ओके, सो मोस्टली वर्ड्स ना मैंने कोशिश करी है कवर अप करने की, इन केस आई गेट टू रिमेंबर सम मोर वर्ड्स आई वुड कीप ऑन टेलिंग यू फ्रॉम टाइम टू टाइम. नाउ देयर इज अ रोल प्लेज ऑफ ट्रैवलिंग, बिकॉज ट्रैवलिंग के यूजुअली कोई एक्सरसाइजेस नहीं हो सकते हैं, रोल प्लेज हो सकते हैं. रोल प्लेज मतलब ना जैसे यू कैन डिस्कस अमंग योर सेल्फ एंड यू वुड गेट टू नो कि आपके पास कितने वर्ड्स हैं एंड आप उन वर्ड्स को करेक्टली यूज कर पा रहे हो कि नहीं यूज कर पा रहे हो. सो आई जस्ट रैंडमली पिक अप थ्री सच situations. You are going on a holiday with your friend and you see your friend has packed too many useless things and thinks everything is necessary. Talk to your friend to take list. ठीक है, आप अपने फ्रेंड के साथ कहीं घूमने जा रहे हो, आपके फ्रेंड ने बहुत कुछ पैक कर लिया अपने बैग में, तो आपको उसको एक्सप्लेन करना है कि यू शुड नॉट टेक सो मेनी थिंग्स बिकॉज यू नो एक बैगेज लिमिट होता है. आप ओवर साइज बैगेज कैरी करोगे तो आपको यू नो पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी एंड मोर ओवर हम जिस होटल में स्टे करेंगे प्रोबेबली दैट हैज ऑल द फैसिलिटीज यू नो. तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरह से आप यू नो यूजिंग एज मेनी वर्ड्स दैट यू कैन वोकैबुलरी को अपने यूज करके यू आर डिस्कसिंग इट विद योर फ्रेंड्स. आई विल सजेस्ट यू इवन इफ यू डोंट हैव अ फ्रेंड जस्ट ब्रिंग पॉइंट्स इन योर माइंड. ठीक है, अपने दिमाग में पॉइंट्स लेके आओ कि अगर ये सिचुएशन आ जाता है तो मैं अपने फ्रेंड को क्या क्या बोलूंगा एंड ऑल सेंटेंसेज शुड बी इन इंग्लिश. ठीक है, अच्छा, यू हैव अराइव्ड एट द होटल एंड सी दैट द रूम फैसिलिटीज आर ऑफुल. ऑफुल इज नॉट वेरी गुड, ठीक है, वेरी डिस्टर्बिंग एंड नॉट एज प्रॉमिस्ड ऑन द वेबसाइट. जो वेबसाइट पे लिखा हुआ था ना, जो कि आपको प्रॉमिस किया गया था कि आपको ये चीजें मिलेगा होटल में, आपको नहीं मिला है. तो टॉक टू द मैनेजर, आपको मैनेजर के साथ बात करनी है. तो आप मैनेजर के साथ बात करने जाओगे तो आप क्या बोलोगे कि ये फैसिलिटीज मेंशन था लेकिन आप क्या दे रहे हो, पूल साइड रूम नहीं है. ठीक है, सो मेनी थिंग्स यू कैन टॉक अबाउट योर रूम की भाई रूम में ये फैसिलिटीज बोला गया था और ये नहीं मिल रहा आपको. ठीक है, और बाकी होटल्स में क्या फैसिलिटीज मिल रहा है वो भी बोल सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, राइट, प्राइसेस कंपेयर कर सकते हो कि उस प्राइस में ये चीजें मिल रही है, इस प्राइस में आप ये चीजें दे रहे हो. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री आप डिनर्स नहीं दे रहे हो, वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री डिनर्स भी मिल रहा है. सो देयर आर सो मेनी वर्ड्स दैट यू कैन एक्यूमुलेट इन योर माइंड एंड यू कैन डिस्क्राइब द सिचुएशन. ओके, यू हैव अराइव्ड एट द एयरपोर्ट एंड फाइंड योर लगेज मिसिंग. Talk to an authority at the airport. आप पहुंच तो जाते हो एयरपोर्ट लेकिन आपके लगेज ही मिसिंग है. ठीक है, जैसे आप सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हो अपने, लेकिन वहां जाके आपका लगेज मिसिंग है. तो आप बोल सकते हो दैट द आई हैंडेड ओवर द लगेज एट द चेक इन काउंटर एंड एट दैट टाइम टैग्स ऑन टैग्स वगैरह सब उस पे लगाए गए थे एंड देन व्हेन आई रीच द कराउजल वहां पे माई लगेज वॉज मिसिंग. आई डेंट रिसीव माई यू नो बैगेज इवन आफ्टर स्टैंडिंग देयर फॉर हाफ एन आवर. ठीक है, मैं आधे घंटे वहां रुक के भी कैरोसेल में मेरा सामान ही नहीं आया, राइट. सो इफ यू हैव दोज वर्ड्स विद यू ना हैंडी सो यू कैन यूज देम इन मेनी सिचुएशंस. तो मैंने रैंडमली सिर्फ तीन सिचुएशंस उठाए हैं. ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं जो हम डे टू डे यू नो फेस करते हैं एंड दैट वी हैव टू हैंडल. सो आई होप थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिलेगा. ओके, सो दैट्स अबाउट द सेशन. तो आज के सेशन में आई बेसिकली कवर्ड मेनी वर्ड्स दैट वेर रिलेटेड टू योर फ्लाइंग. आई कवर द वर्ड्स दैट वेर रिलेटेड टू योर बसेस. आई ऑल्सो टोल्ड यू द वर्ड्स जो कि पोर्ट से रिलेट करते हैं, ठीक है, ट्रेन से रिलेट करते हैं. एंड आई गिव यू थ्री रोल प्लेस जो कि मेरे हिसाब से आप अगर अपने माइंड में डिस्कस करोगे वुड हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि हम किस तरह से वर्ड्स का करेक्ट यूज करते हैं. Right, so that's all from my end. Thank you.